मौजूदा बल्दी इंतखाबात में अवाम का कोई भला नहीं होगा। बल्दी इंतखाबात में तेलुगु देशम, तेलंगाना राष्ट्र समिति, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वगैरह हिस्सा ले रही हैं, लेकिन अवाम ये सवाल कर रही हैं कि क्या कोई पार्टी बरखी बिलों में कमी लाएगी, या कोई पार्टी छोटे छोटे घरों के टैक्स माफ़ करेगी, या फिर गरीब घराने के किसी फर्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम करेगी, या खुद रोजगार के लिए बिलासूदी खर्च फराहम करेगी। एक एक घर में गुज़िश्ता 30-35 साल से किसी एक फर्द को भी सरकारी मुलाजिमत फराहम नहीं की गई, बल्कि हर कदम पर इन गरीबों के छोटे छोटे घरों से माकूल टैक्स वसूल किया गया है। इन बल्दी इंतखाबात में टिकटों की फरोख्त के सबब जीतने वाला उम्मीदवार लाजिमन अपनी सरफकर्दा रकम भी इसी हलके से निकालेगा, और किसी भी घर की खिड़की भी लगाई जा रही हो तो उससे पैसे वसूल करेगा, गली में बिजली की फराहमी के लिए मुआवजा तलब करेगा। इसीलिए ये इंतखाबात जीते हुए उम्मीदवार के लिए रोज़गार का एक नया मैदान फराहम करेंगे। अवाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए अवाम को चाहिए कि बदउनवान उम्मीदवारों को कामयाब न बनाएं।